रहा है, कम से कम जवाब तो मिल जाए हमें कि रिजल्ट कब तक देगी, क्योंकि रिजल्ट उतारने में तो सिर्फ 2 से 3 दिन का समय लगा था आयोग को, आखिर रिजल्ट चढ़ाने में वापस से कितना समय लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, ब्रजेश कुमार के साथ। जूनियर इंजीनियर के जो छात्र हैं वो काफ़ी दिनों से पटना के धरनास्थल गर्दनी बाग में मौजूद थे। जो जूनियर इंजीनियर थे उनको रिजल्ट दिया गया था, पर 2 से 3 दिन में उनको रिजल्ट वेबसाइट से हटा लिया गया था। उसको लेकर के कहा गया था BTSC आयोग की ओर से कि आपका रिजल्ट जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम से हटा लिया गया है, आपको फिर रिजल्ट दोबारा जारी कर दिया गया जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। उसको लेकर के ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। BTSC ऑफिस देख सकते हैं कि यहाँ पे उसको नीचे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग का क्या मांग है, हम इनसे सीधी बात ही करेंगे। आप लोग का क्या मांग है? हम लोग का मुख्य यही मांग है कि आपने जो एक कुशल एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा संचालित मेडिसर्व हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की इकाई हिमालया हॉस्पिटल अब बेगूसराय बखरी में भी, पटना के महावीर नगर सिपारा के बाद अब बखरी के स्टेशन रोड में खुल चुका है हिमालय हॉस्पिटल। 24 घंटे आपातकालीन सेवा समेत अन्य संसाधनों से परिपूर्ण हिमालया हॉस्पिटल। जिंदगी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। पर दिया था रिजल्ट, आप बोला था इसमें रिवाइज करना पड़ेगा आवश्यकता हो तो, लेकिन 4 महीने हो गए, 4 महीने में आपने मेरा रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया। 3.5 साल से तंग होकर 37 दिनों से हमने गर्दनी बाग में बैठ गया, फिर भी आपने पूछने नहीं गया। आज हम लोग 37 दिन बैठने के बाद आयोग घेराव कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी आयोग से आर पार की लड़ाई है। अगर अब भी आयोग नहीं मानी तो 8 दिन का हम लोग समय सीमा देते हैं, अगर 8 दिन में आप नहीं मानी तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। आप लोग 37 दिन तक बैठे हुए तो नहीं सरकार की ओर से, नहीं कोई विभाग की ओर से मिलने गया था क्या? अभी तक किसी ने नहीं चुना, न आयोग से गए, न सत्ता से गए, न विपक्ष से गए, किसी ने चुनने नहीं गया। 37 दिन से बैठे हैं, 3.5 साल पहले बहाली आई थी, लेकिन एक बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग से क्लियर नहीं हुई। अब देखिए बाढ़ आने वाला है, पूरे बिहार बाढ़ में डूब जाएगा, सैकड़ों लोग मर जाएंगे बाढ़ में, लेकिन बिहार तकनीकी सेवा आयोग से एक जूनियर इंजीनियर की बहाली क्लियर नहीं हो रही है। सर, हम लोग आज 37 दिन से धरना दे रहे हैं लगातार गर्दनी बाग में, हमारी कोई वहाँ कोई सुधि लेने नहीं गया अभी तक। हमारा अभी यहाँ आयोग में जवाब मांगने किया, कब तक हम बैठेंगे इस तरह का धरना, कब तक हम देते रहेंगे, आप हमारा रिजल्ट कब तक देंगे, इसका हमें जवाब चाहिए। इसलिए हमारे जो कोर कमेटी के लोग मेंबर हैं वो अंदर जवाब मांगने गए हैं। अभी देखिए वो बाहर आते हैं तो हम लोग को अगर लिखित आश्वासन मिलती है तो हम लोग अभी गर्दनी बाग में धरना स्थल पर शांतिपूर्ण तरीके से तब तक बैठेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आता है, और अगर लिखित आश्वासन नहीं मिलती है तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, गर्दनी बाग में भी लगातार बने रहेंगे, लगातार गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। क्या लगता है कि BTSC आपको रिजल्ट दे देगी? आप बैठे हुए हैं इसी आशा के साथ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? कि जल्दी से जल्दी हम लोग का रिजल्ट दे। चलिए यहाँ पे BTSC, क्या लग रहा है कि BTSC ऑफिस के बाहर आप बैठे हुए हैं, रिजल्ट दे देगी सरकार? हम तो आशा करते हैं कि देना चाहिए, शायद 3 साल हो गया हम लोग का पहला वैकेंसी था इस आयोग का। कुशल एवं अनुभवी डॉक्टरों द्वारा संचालित मेडिसर्व हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की इकाई हिमालया हॉस्पिटल अब बेगूसराय बखरी में भी, पटना के महावीर नगर सिपारा के बाद अब बखरी के स्टेशन रोड में खुल चुका है हिमालय हॉस्पिटल। 24 घंटे आपातकालीन सेवा समेत अन्य संसाधनों से परिपूर्ण हिमालया हॉस्पिटल। जिंदगी आपकी, जिम्मेदारी हमारी। आशा रखते हैं कि हम लोग को हो जाना चाहिए, रिजल्ट देना चाहिए, अगर नहीं अब कितना लेट करेंगे। आजकल करते करते तो शायद दिन से आप गर्दनी बाग बैठे, हाँ हम लोग धरना पर बैठे हैं। आगे भी अगर जब तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। चलिए रिजल्ट जारी नहीं होगा तो तब तक ये लोग धरना पर बैठे रहेंगे। कुछ यहाँ पे महिलाएं भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। लगता है कि क्या ये लोग का जो रिजल्ट है वो जल्दी से BTSC द्वारा जारी कर दिया जाएगा तो वो लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। और तमाम जो यहाँ पे महिलाएं हैं, आप लोग का क्या लगता है कि BTSC ऑफिस घेराव करने से आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा? सर इसका तो पता नहीं, लेकिन सर हम तो यहाँ जवाब के लिए आए हैं, कम से कम जवाब तो मिल जाए हमें कि रिजल्ट कब तक देगी, क्योंकि रिजल्ट उतारने में तो सिर्फ 2 से 3 दिन का समय लगा था आयोग को, आखिर रिजल्ट चढ़ाने में वापस से कितना समय लगेगा? क्या लग रहा है कि रिजल्ट आपको दे देगी जिस तरह से आप लोग घेराव? आयोग को रिजल्ट तो देना ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि त्वरित गति में काम हो, जो प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है। और यहाँ पे भी क्या लग रहा है कि रिजल्ट आपको दे देगी? आप लोग घेराव,
अभी बात पता नहीं चल रही है, देखते हैं क्या बात हो रही है। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पे जो बने हुए थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे BTS ऑफिस के पास, सीधे तौर पर ये लोग का मांग है कि हम लोग का जब रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो हम लोग उग्र होंगे। और अब ये देखने की बात है क्या BTS ऑफिस या कोई इनको आयोग या फिर मंत्री सुनते हैं या नहीं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।